हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे खासे इंसान को भी मौत के घाट उतार देती है। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाना आदमी बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो गए और हार्ट अटैक की वजह से मर गए, या फिर किसी ने कोई बुरी खबर सुनी और इतना बुरा झटका लगा कि वो तुरंत ही हार्ट अटैक से मर गए। और ये सब तो दोस्तों फिर भी छोड़ दीजिए, अभी कुछ समय पहले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, जो कि पूरी तरह से फिट थे और जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया और वो कुछ समय अस्पताल में रहने के बाद भगवान को प्यारे हो गए। इस तरह की घटनाएं दोस्तों बिल्कुल भी नई नहीं है, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि अच्छा खासा इंसान कैसे हार्ट अटैक के चंगुल में फंसकर अपनी जान गंवा देता है। आखिर क्यों फिट और एक्टिव लोगों को भी हार्ट अटैक अपनी गिरफ्त में ले लेता है। दोस्तों अभी पिछले साल खबर आई थी मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की, उनको भी हार्ट अटैक आया था और इसके बाद देश भर में हाहाकार मच गया था। हर कोई एकदम सदमे में था, किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतना अच्छा खासा फिट बंदा हार्ट अटैक का शिकार कैसे हुआ। किस्सा कुछ इस तरह का था दोस्तों की रात में इन्हें हार्ट अटैक आया और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। करीब 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला फिटनेस आइकॉन थे। इस तरह की बीमारी की चपेट में आना वाकई में सबको हैरान कर रहा था और हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। इसके जवाब में दोस्तों डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि 40 के आसपास के उम्र के हर व्यक्ति को दिल की बीमारी होने की संभावना होती है, खास करके तब जब मरीज को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो। इस तरह के हर इंसान को दोस्तों तब तक दिल का मरीज ही मानना चाहिए जब तक कि जांच में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं पाया जाता। डॉक्टर्स ने तो ये तक कह दिया कि जिन लोगों को थोड़ी सी भी दिल से जुड़ी समस्या है उनके लिए दौड़ना भी घातक हो सकता है। लोगों में दौड़ने के दौरान हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है, खास तौर पर उन लोगों में जिन्हें दिल की समस्या होती है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें दिल से जुड़ी कोई समस्या है। आंकड़ों की माने तो कम उम्र में दिल से जुड़ी बीमारी के मामले भारत में दिन दुगनी रात चौगनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका की एक रिसर्च जर्नल में छपे लेख के मुताबिक भारत में 6.2 करोड़ लोग दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं इस टाइम। इनमें से तकरीबन 2.3 करोड़ लोगों की उम्र 40 साल से कम है, यानी कि दोस्तों 40% हार्ट के मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। भारत के लिए दोस्तों ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में ये आंकड़े और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। healthdata.org के मुताबिक प्री मैच्योर दैत्यानी की अकाल मृत्यु के कारणों में 2005 में दिल की बीमारी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन दोस्तों 2016 में दिल की बीमारी अकाल मृत्यु का पहला कारण बन गई है। आज से 10 से 15 साल पहले दिल की बीमारी को अक्सर बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन दोस्तों पिछले एक दशक में दिल से जुड़ी बीमारी के आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। जहां देश के जाने माने डॉक्टर्स का ये कहना है कि भारत के युवाओं का दिल कमजोर हो गया है, जो बीमारी इंसान को 50 साल बाद अपना शिकार बनाती थी, आप देख रहे हैं वो 30 साल की उम्र के बाद ही इंसान के शरीर में अपना कब्जा जमाने लग गई है। डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि युवाओं के कमजोर दिल का कारण हमारी जीवन शैली है। देश के युवाओं में फैले लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए वो 5 कारणों को सबसे ज्यादा अहम मानते हैं। सबसे पहला कारण है दोस्तों बिना मतलब का तनाव, दूसरा कारण है खाने की गलत आदत, तीसरा कारण है कंप्यूटर या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पर देर तक काम करना, चौथा कारण है स्मोकिंग, तंबाकू और शराब जैसी घातक चीजों का सेवन करना, और पांचवा और अहम कारण है पर्यावरण में फैलने वाला प्रदूषण। ये सारी चीजें मिलकर दोस्तों युवाओं की जिंदगी में जहर घोलने का काम कर रही है, जिसकी वजह से जिस उम्र में लोगों को बिल्कुल फिट और एक्टिव होना चाहिए उस उम्र में वह बिस्तर पकड़कर बैठे हैं। अब जैसे कि दोस्तों ज्यादातर लोग जो दिल से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं वो या तो सिगरेट और शराब का सेवन करते हैं, या तो उनकी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बेकार है कि ना ही उनके पास सेहतमंद चीजें खाने का समय है और ना ही एक्सरसाइज करने का, और यही सारी चीजें उनकी जीवन शैली को पूरी तरह से बिगाड़ती चली जा रही हैं। दोस्तों पढ़ने की उम्र में आजकल बच्चों में तनाव बिल्कुल आम हो चुका है। इतना ही नहीं, छात्रों के जीवन में खाने का गलत समय और पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का घंटों तक इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर्स की माने तो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है सीने में तेज दर्द। आपने ऐसा देखा होगा अक्सर कि किसी फिल्मी दृश्य में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो वो अपना सीना जोर से पकड़ लेता है, दर्द के मारे उसकी आंखों में घबराहट दिखने लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है, और हम सभी को ऐसा लगता है कि दिल का दौरा पड़ने पर इस तरह का कुछ एहसास होता होगा। पर दोस्तों फिल्मों में दिखाया जाने वाला ये सीन हर बार सच नहीं होता। हाँ, हार्ट अटैक होने पर दोस्तों ऐसी अनुभूति होती है जैसे हमारे दिल को कुचला जा रहा है, लेकिन दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब दिल तक खून पहुंच ही नहीं पाता तो दिल का दौरा पड़ता है। आमतौर पर हमारी धमनियों के रास्ते में किसी तरह की रुकावट आने की वजह से खून दिल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए सीने में तेज दर्द उठता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी दिल के दौरे में दर्द नहीं होता और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक कंडीशन होती है, जिसे साइलेंट हार्ट अटैक कहा जाता है। healthdata.org के मुताबिक आज दुनिया में अलग अलग बीमारी से होने वाली मौतों में दिल की बीमारी सबसे बड़ी वजह है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर KK अग्रवाल के मुताबिक
महिलाओं में मेनोपॉज के पहले वाली स्टेज में दिल की बीमारी नहीं होती। इसके पीछे महिलाओं में पाए जाने वाले सेक्स हार्मोनल चेंज उन्हें दिल की बीमारी से बचाते हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय में महिलाओं में प्री मेनोपॉज हमारी उम्र में भी हार्ट अटैक की बीमारियां देखी जा रही हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के डायरेक्टर जो हैं श्रीनाथ रेड्डी, उनके मुताबिक दोस्तों, अगर कोई महिला स्मोकिंग करती है या फिर गर्भ निरोधक दवाइयों का लंबे समय तक इस्तेमाल करती है तो प्राकृतिक रूप से उसके शरीर की हार्ट अटैक से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। डॉक्टर रेड्डी के मुताबिक मेनोपॉज के 5 साल बाद महिलाओं में भी हार्ट अटैक का खतरा पुरुषों के बराबर ही हो जाता है। कई तरह के शोध ऐसे हैं जिनमें पाया गया है कि महिलाएं अक्सर सीने में उठने वाले दर्द को नजरअंदाज कर देती हैं, इसलिए उनको देर से इलाज मिलता है। दोस्तों, आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि हार्ट अटैक कितना ज्यादा खतरनाक है, जो किसी भी उम्र में इंसान को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। पर सवाल ये आता है दोस्तों कि हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे तो आने वाले समय में नौजवान युवा लोग भी दिल से जुड़ी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचने के लिए युवाओं को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है, जिसके कई सारे तरीके हैं। सबसे पहली चीज तो योगा करने से भी ये बदलाव काफी हद तक देखने को मिलेगा। डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि योगा हार्ट अटैक से बचने का सबसे कारगर तरीका है, जहां योगा करने से न केवल तनाव दूर होता है बल्कि लोग शांत मन से एकाग्र होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्रोध कम आता है और उनका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं दोस्तों कि अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो ट्रांस फैट से बचें, जहां तली भुनी चीजें शरीर के अंदर दोस्तों पहुंचकर नुकसान पहुंचाती है। हमारी धमनियों में फैट इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से खून को पास होने में दिक्कत होती है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज रास्ता रोककर बैठ जाएगी तो भला कोई कैसे आगे बढ़ पाएगा। और ऐसे ही कुछ हमारी धमनियों में भी होता है, जब उसके अंदर फैट इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड ठीक तरह से पास नहीं हो पाता, और जब हालत ज्यादा नाजुक हो जाती है तो ये दिल तक नहीं पहुंच पाता, और इसी कंडीशन में दोस्तों हार्ट अटैक होता है। देश के युवाओं में दोस्तों हार्ट अटैक की समस्या को कम करने के लिए सरकार को भी कुछ मदद करनी चाहिए। अब आप सोचेंगे, भला सरकार कैसे हार्ट अटैक को रोक सकती है यार? तो दोस्तों, जानकारों का ऐसा कहना है कि हार्ट अटैक सबसे ज्यादा जंक फूड खाने से होता है, जिस पर सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, जिसे सरकार तंबाकू और सिगरेट पर लगाती है। साथ ही जंक फूड पर बड़े बड़े मोटे अक्षरों में वार्निंग लिखी होनी चाहिए, जैसे सिगरेट और तंबाकू के पैकेट्स में लिखी जाती है। अब सरकार ऐसा करने के लिए नियम बना सकती है। ऐसा करने से समस्या जड़ से खत्म तो नहीं होगी, जिन्हें जंक फूड खाना है यार वो तो खाएंगे, लेकिन दोस्तों लोगों में जागरूकता जरूर बढ़ेगी, क्योंकि जो चीजें उन्हें पहले आसानी से अपनी पॉकेट मनी में मिल जाती थी, उसी चीज को खरीदने के लिए उन्हें हफ्ते भर की पॉकेट मनी इकट्ठी करनी पड़ेगी। अब इस तरह से जंक फूड पर लगने वाला टैक्स दोस्तों काफी हद तक युवाओं को उल्टी सीधी चीजें खाने से रोकेगा और वो हेल्दी चीजों को खाने की तरफ ध्यान देंगे। दोस्तों, अक्सर सुनने में आता है कि हार्ट अटैक का सीधा संबंध शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल से होता है, इसलिए अधिक तेल में तला हुआ खाना ना तो बनाएं और ना ही खाएं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स डॉक्टर ऐसा भी कहते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत कोलेस्ट्रॉल नहीं है बल्कि ट्रांस फैट है, क्योंकि ट्रांस फैट ही शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से धमनियों में ब्लॉकेज देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।